जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश कल से गुप्त नवरात्र चालू है और ऐसे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी साधनाएं करूं आज मैं आपको ये चुनने में मदद करूंगा कि आप शुरुआत माँ भगवती देवी काली की साधना से करेंगे या माँ भगवती देवी तारा की साधना से करेंगे बहुतों ने ऐसा प्रश्न पूछा जो गौर से सुनते हैं मेरे वीडियो को कि जब शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो काली है वही तारा है और वही नील तारा है तो सबकी अलग अलग पूजा क्यों होती है और पूजा विधान कैसे होगा बहुत डीप में ना जाते हुए गृहस्थों के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही बताऊंगा जब मुझे कुछ नहीं पता था तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि कहीं से शुरुआत करना चाहिए तो मेरा शुरुआत मैंने जब भगवती की पूजा शुरू की थी तो एक भजन से हुआ था उसको मैं हमेशा गुनगुनाते रहता था काली काल विनाशनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशनी जय जय उमरमा ब्रह्मानी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशनी जय जय आप लोगों को लगेगा कैसे गुरु जी कुछ भी बता रहे हैं लेकिन मेरा मार्ग देवी की भगवती की जो पूजा और साधना की तरफ बढ़ा वो इसी भजन से बढ़ा था अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों को भगवती की साधना करनी है एक तो ये भजन गुनगुनाते रहो हमेशा उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है इस भजन से इसके अलावा तय ये करना है कि आपको भगवती की भक्ति से चाहिए क्या ठीक है आपको काली की भक्ति करनी है कि आद्या की भक्ति करनी है या फिर माँ तारा की भक्ति करनी है तो ये समझो आद्या आद्या है सबसे पहली है किसी भी भगवती की साधना जब आप करते हैं तो अंतोगतवा आप आद्या तक पहुँचते हैं आद्या के बाद जो दूसरी महाविद्या है वो महाकाली है और फिर आती है मातारा भैरव भैरवी जी को भैरव जी ने बोला था यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्ति निश्चितम मतलब जिस जिस कर्मों की चिंता करोगे वो वो आपको मिलेगा अगर आप दस महाविद्या की साधना करते हैं ठीक है तो मैंने पहले भी बताया था कि दस महाविद्या जो है वो दस विद्याएं हैं जिससे कि आप सबसे उच्च ज्ञान को महाशून्य को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो तारा और काली सर्व विदमय देवी है ठीक है और इन दोनों में ही सारी विद्याओं का मेल है जब आप इस चराचर पृथ्वी पर रह रहे हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत है एक महामाया के प्रसाद से जो जीवन आप जी रहे हैं उस जीवन को अच्छे से जीना और दूसरा स्पिरिचुअल ग्रोथ होना ताकि जन जन्मांतर का जो आपका एक खेल चल रहा है उससे आप मुक्त हो जाए ठीक है तारा नील वर्ण है और माँ भगवती देवी काली श्याम वर्णा है ठीक है मतलब जो लाइट एंड डार्कनेस का जो थ्योरी है वही है काली और तारा का शून्य अंत काली है और तारा जीवनदाय आकाश वो तारा है जो आपको हर तरफ दिखता है और जब सब कुछ समाप्त तो हो जाता है तो काली का प्रादुर्भाव होता है माने क्या अगर आपको जीवन में मैटेरियल बेनिफिट चाहिए बहुत प्रेम चाहिए बहुत सद्भाव चाहिए तो फिर देवी तारा की साधना करनी चाहिए अगर आप मुक्ति की तरफ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तो देवी कालिका की साधना आपको करना चाहिए ठीक है दोनों की साधना करने से आपका जीवन बैलेंस रहता है देखो भगवती काली की जो साधना करते हैं ना उससे यमराज भी डरते हैं उसमें इतनी शक्ति होती है उनके अपोजिट भगवती तारा जो है वो सूर्य की शक्ति मानी जाती है और उनकी ही रोशनी से पूरा ब्रह्मांड पूरा चराचर जो पृथ्वी है वो हमेशा प्रज्वलित रहता है काली आद्या का वो स्वरूप है जो शून्य का प्रतीक है जो संहार कर्म होता है और जो कर्म होता है उसमें संहार कर्म काली करती हैं और कर्म भगवती तारा करती हैं ठीक है ऐसा भी लिखा गया है कि पंच शून्य स्थित तत् पंच शून्य स्थित तत् सर्वांत काली का स्थित मतलब पांचवे शून्य तक पांच महाभूत जहां तक हैं वहां तक देवी भगवती तारा का राज है उसके बाद जो भी है अनंत काल तक वहां पर देवी काली है अब आते हैं विषय पे। अगर आप लोगों ने इसको तय कर लिया हो देखो तंत्र साधना में तीन भाव होता है पशु भाव होता है वीर भाव होता है दिव्य भाव होता है ठीक है और हर चीज का एक अलग प्रयोग होता है तो पशु भाव में कुछ साधक रहते हैं ठीक है वो लोग अभी भी जो अष्ट आपका जो बॉन्डेज है आपके आसपास उसी में रह गए ठीक है जो रूल्स हुआ जो जीवन में उतार चढ़ाव जो जीवन में जात पाते उसमें रह गए तो वो उसमें बंद के रह जाते हैं वो पशु भाव में रहते हैं ठीक है पशु भाव से वीर भाव और फिर दिव्य भाव में आना ये तारा से लेकर के काली तक का सफर है अब अगर आपको कल से माँ भगवती देवी तारा की साधना करनी है या काली की साधना करनी है तो एक अल्प विधान आपको बताता हूं मैं ठीक है चावल ले लेना उसको गोलाकार में बिछा देना उसके ऊपर एक त्रिशूल बनाना त्रिशूल के ठीक नीचे एक दीपक रखना घी का अगर घी प्योर ना मिले तो काले पीले सरसों का तेल से उस दीपक को जलाना एक लाल फल रखना और दूसरे तरफ तीन अगरबत्ती जलाना ठीक है और क्रिम मंत्र का जाप करना एक हजार आठ बार सुबह एक हजार आठ बार शाम ठीक है जिनको शक्तियों को समझना है जिनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है वो ये करेंगे ठीक है दशमी के दिन क्रिम स्वाहा ओम नहीं लगाएंगे क्रिम स्वाहा मंत्र से तिल लॉन्ग और गूगल मिला करके हवन करेंगे जिनको तांत्रिक हवन करना है वो शुद्ध गाय के घी में कारण यानी शराब मिला करके इसका हवन करेंगे जिनको तारा की साधना करनी है वो पारद का एक शिवलिंग लेंगे ठीक है पारद का शिवलिंग आता है उसमें योनी को काट देना नीचे से जो योनी बना हुआ था उसको काट देना जो ऊपर का भाग बचेगा उसमें आँख और मुंह बना के उसको तारा के रूप में स्थापित कर देना देखो पारद जो है वो शिव रूपी होता है इसीलिए पारद में माँ तारा का आ, की पूजा की जाती है पारद रूप में उनको स्थापित करके उनको धीप धूप दीप नवेद जो चढ़ाते हैं उसको चढ़ाना उनको जो पंच पूजा होती है वो पूरा करना और उसके बाद मंत्र से 1008 सुबह में 1008 रात में इससे क्या होगा आपको फायदा इससे आपको फायदा होगा कि आपका जो मैटेरियल लाइफ है वो बहुत बढ़िया होगा इसमें क्या करना है दशमी के दिन जब आप हवन करेंगे तो लौंग तिल और गूगल के अलावा जब आप मिश्रण करेंगे तो शुद्ध घी रखेंगे उसमें मधु रखेंगे और कारन रखेंगे आज के लिए इतना ही आप लोगों में से जिसको बेसिक साधना सीखनी है वो बे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर मेरी आईडी है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि आप जिनको भी चुनें उनकी साधना इस नवरात्र में सफल हो और आपको आध्यात्म और धन दोनों की प्राप्ति हो ऐसी माँ भगवती काली और माँ भगवती तारा से मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश